गुड मॉर्निंग। आज सीएमए इंटर पेपर नंबर 7 डायरेक्ट टैक्स का वीवीआई क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ। दे आर मतलब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, छोड़िएगा मत। एटलीस्ट क्वेश्चन को समझ के चल जाइए, आपको रट्टा नहीं मारना है, समझना है, चीजों को एकदम कंसेप्चुअली समझ के जाना है। डायरेक्टली मैं क्वेश्चन में आ रहा हूँ। सबसे पहला क्वेश्चन है शॉर्ट नोट ऑन ट्रांसफर। ट्रांसफर किस चैप्टर में? कैपिटल गेन ट्रांसफर में। मतलब जब कोई भी कैपिटल एसेट बिकता है, सेल होता है, तो उसमें कैपिटल गेन का प्रॉफिट या लॉस होता है, तो उस टॉपिक में ट्रांसफर को क्या बोलते हैं। सिंपल सा मीनिंग होता है ट्रांसफर मतलब सेल। सिंपल सा मतलब समझिए, सेल मतलब कोई भी कैपिटल एसेट बेच रहे हैं तो उसको ट्रांसफर बोलते हैं। अब इसका पूरा मीनिंग है ट्रांसफर का, वो आपको देखना। आंसर दिया हूं, ट्रांसफर मतलब सेल भी होता है, एक्सचेंज भी होता है, रिलिंक्विशमेंट भी होता है, वो सारा चीज होता है। तो इस चीज को अच्छा से समझिएगा। सिंपल सा मीनिंग में मैं बता देता हूँ, ट्रांसफर मतलब होता है बेचना, सेल। अब सेल में क्या क्या चीज इंक्लूड है वो आपको देखना है और अच्छा से समझिएगा इसको। कीवर्ड याद रहेगा ना आपको, जैसे सेल, एक्सचेंज, रिलिंक्विशमेंट, कंपल्सरी एक्विजिशंस, कन्वर्जन, सब कीवर्ड याद कर लीजिए। आंसर नहीं, रट्टा नहीं माना, कल समझना है, ठीक है। मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रहा हूँ, आपको आंसर भी दे रहा हूँ, साथ में पीडीएफ शीट रहेगी वीडियो में, उस पीडीएफ शीट को अच्छा से समझ के जाइएगा। रट्टा नहीं मारना, एकदम पहले बता दे रहा हूँ, समझना है, जितना याद रहेगा ठीक है, रटना नहीं है। दूसरा क्वेश्चन है राइट शॉर्ट नोट ऑन बिजनेस। बिजनेस क्या होता है? सिंपल सा मतलब, बिजनेस का मतलब सिंपल मीनिंग में क्या होता है, देखिए सिंपल मतलब होता है ट्रेड, कॉमर्स, मैन्युफैक्चरिंग, यही तो होता है बिजनेस। और इसी में जो जो कीवर्ड है, कोई कीवर्ड को याद करना है। बिजनेस मतलब ट्रेड से भी जानते हैं, कॉमर्स, मैन्युफैक्चरिंग एटसेट्रा बिजनेस है। बाकी सारा आंसर आपको लिखा हुआ, आप देखिएगा अच्छा से। तीसरा क्वेश्चन है व्हाट आर द कंडीशन टू बी सैटिस्फाइड टू क्लेम डिडक्शन अंडर एटीजीजी। एटीजीजी में जब हमको डिडक्शन लेना है तो उसके लिए क्या क्या कंडीशन होना चाहिए, चीज को समझिए, क्या क्या कंडीशन होना चाहिए। बेसिक कंडीशन क्या है, जैसे आपको लॉजिकली आप लिख सकते हैं, जैसे ये कंडीशन होना चाहिए कि मेरे को कंपनी से कोई एचआरए का पैसा नहीं मिल रहा, हाउस रेंट अलाउंसेस मेरे को कंपनी से नहीं मिल रहा हो, मैं हाउस का घर का पैसा दे रहा हूं भाड़ा, या मेरे पास खुद का घर नहीं होना चाहिए। ये सब बेसिक कंडीशन है, समझ में आया, कि कंपनी से कुछ एचआरए नहीं मिल रहा है और मैं खुद घर का रेंट दे रहा हूं तभी तो मिलेगा एचआरए का डिडक्शन, प्लस मेरा खुद का घर नहीं होना चाहिए तभी मैं भाड़ा का घर लूंगा, यदि खुद का घर होगा तो मैं एचआरए क्लेम नहीं कर पाऊंगा। तो ये सब बेसिक कंडीशन ही आपको जाननी चाहिए, ये सब होना चाहिए। और बाकी आंसर दिया हुआ, पढ़िए उसको, समझिए। चौथा क्वेश्चन देखिए, डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट इन रेस्पेक्ट ऑफ आईसीडीएस 3, मतलब कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर क्या क्या डिस्क्लोजर होना चाहिए। लॉजिकली आप देखिए, कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर क्या होना चाहिए, कंस्ट्रक्शन का रेवेन्यू कितना है, कंस्ट्रक्शन कितना परसेंट कंप्लीट हुआ, स्टेज ऑफ कंप्लीशन क्या होना चाहिए, कंस्ट्रक्शन का कितना खर्चा हुआ हुआ है, ये सब होना चाहिए। ऐसे बेसिक चीज आप समझिएगा, आंसर दिया हुआ उसको भी समझ के लिखिए। अब देखिए सैलरी का, सैलरी का एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन एग्जाम में आएगा ही आएगा, उसमें बेसिक दे देगा कि मेरा बेसिक सैलरी इतना है, डीए इतना है, ट्रांसपोर्ट अलाउंसेस इतना है, कंप्यूटर अलाउंसेस इतना है, सारा पीएफ का इतना खर्चा हुआ सारा दे देगा। उसका आंसर भी दिया हूं मैं कि देखिए कि कैसे लेना है आपको, एम्प्लॉय कॉन्ट्रीब्यूशन टू पीएफ कितना 12% अलाउ है, 15% दिया आपको, माइनस करके आप करेंगे स्टैंडर्ड डिडक्शन जो 50,000 है, नया प्रोविजन है ये, 50,000 का डिडक्शन लेंगे तो ग्रोस सैलरी से स्टैंडर्ड डिडक्शन कैसे माइनस हुआ, सबको देखिएगा, आंसर दिया हुआ है, समझ में। कार फैसिलिटी जैसे 1,800 रुपया करके पर मंथ लेना, देखना ये सैलरी का एक इंपॉर्टेंट सम है, ये बहुत इंपॉर्टेंट सम है। सैलरी का एक क्वेश्चन एग्जाम में 100% आएगा और अच्छा मार्क्स का आएगा, ये बड़ा क्वेश्चन भी आ सकता है। सैलरी का एक क्वेश्चन एकदम हर बार एग्जाम में आता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो एकदम प्रोविजन पढ़ के चल जाइएगा सैलरी का, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाइए टीडीएस। टीडीएस का भी एक सम क्वेश्चन बनता है, जैसे क्वेश्चन में दिया था, एग्जांपल दे रहा हूँ, पेमेंट फॉर फी फॉर टेक्निकल सर्विस 22,000 रुपया है, रॉयल्टी का 25,000 का पेमेंट कर रहा है, पेमेंट ऑफ 2,000 मेड टू मिस्टर एक्स फॉर परचेज ऑफ डायरीज एंड रेंट पेड का पेमेंट हो रहा है, तो ये सब दिया है, उस पर टीडीएस कटना चाहिए या नहीं कटना चाहिए। जैसे टेक्निकल सर्विस पे 30,000 पे टीडीएस है, 30,000 से ज्यादा का पेमेंट हो गया तो 22,000 का तो टीडीएस नहीं कटेगा, रॉयल्टी पे जितना भी है 10% टीडीएस कटना चाहिए तो 25,000 पे 10% टीडीएस कटेगा, और डायरी का पेमेंट पे कोई टीडीएस है तो नहीं कटेगा। और देखिए रेंट है, रेंट पे क्या होता है, 2,40,000 से ज्यादा होगा तो टीडीएस कटेगा, 1,50,000 है तो 2,40,000 से कम है तो नहीं कटेगा। तो खाली ये सब जो है ना, इसका अमाउंट को याद करके चल जाइए, टीडीएस कंपटीशन एक सम आएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 7, यहां से देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है। देखिए क्वेश्चन पूछता है,
आपको शॉर्ट नोट लिखना है स्क्रूटनी असेसमेंट में एंड बेस्ट जजमेंट असेसमेंट के ऊपर। तो स्क्रूटनी असेसमेंट का सिंपल मीनिंग होता है कि एग्जामिनेशन या वेरिफिकेशन ऑफ इनकम टैक्स रिटर्न बाय द इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। आपने जो इनकम टैक्स रिटर्न भरा है उसको एग्जामिन करता है, उसको वेरीफाई करता है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट और आपको नोटिस भेजता है कि उसको यदि कोई इनकम आपको लगता है कि आपने गलत इनकम लिया है या फ्रॉड का इनकम लिया है या खर्चा आपने ज्यादा ले लिया है, उसके रिगार्ड में एक तो आपको नोटिस इशू करेगा, उस नोटिस का प्रॉपर रिप्लाई दीजिए, जस्टिफाई कीजिए, इसी को बोलते हैं स्क्रूटनी असेसमेंट। और जो नोटिस इशू किया है आप उसका प्रॉपर रिप्लाई नहीं दे सकते हैं, इनएडिक्वेट रिप्लाई देते हैं डिपार्टमेंट को, या आप उसको रिप्लाई ही नहीं देते डिपार्टमेंट को, तो डिपार्टमेंट अपना मर्जी से लास्ट में आपका रिप्लाई जो सेटिस्फाइड नहीं हुआ तो बेस्ट जजमेंट असेसमेंट कर देगा। तो वही चीज लिखा हुआ है, आंसर को पढ़िएगा आपको समझ में आएगा, ठीक है। अब एक क्वेश्चन आता है, डिस्टिंग्विश बिटवीन फॉरगोइंग्स ऑफ सैलरी एंड सरेंडर ऑफ सैलरी। फॉरगोइंग ऑफ सैलरी मतलब मैं एम्प्लॉय हूं, मैं काम कर रहा हूं और मैंने काम करने के बाद मेरा काम हो गया, मेरे को सैलरी मिल रहा था, मैं मना कर दिया कि मेरे को सैलरी नहीं चाहिए, काम करने के बाद सैलरी अक्रू हो गया, उसके बाद मैंने मना कर दिया कि मेरे को सैलरी नहीं चाहिए मेरा अपना इच्छा से, तो ये होता है फॉरगोइंग ऑफ सैलरी। और सरेंडर ऑफ सैलरी मतलब मैं पहले ही बता दिया हूं कि मैं काम करूंगा, मेरा सैलरी अक्रू नहीं होगा, मैं पहले से बता दूंगा कि जो सरेंडर होगा मेरा सैलरी मैं सरेंडर कर रहा हूं। तो फॉरगोइंग सैलरी क्या होता है, टैक्सेबल होता है, और सरेंडर ऑफ सैलरी आपका टैक्सेबल नहीं होता है, ये चीज जानिएगा। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, व्हाट कंडीशन आर टू बी सैटिस्फाइड to be entitled for deduction in respect of unrealized rent while computing taxable income under salary। देखिए HP का जब income किया जाता है तो जो deduction मिलता है unrealized income का, ठीक है, उसके लिए क्या क्या conditions है, ठीक है। What condition are to be satisfied to be entitled for deduction in respect of unrealized rent, ठीक है, चीज को समझिए, एकदम बहुत सिंपल सा चीज बोल रहा है। देखिए क्या बोलना चाहता है, बोलना चाहता है कि एसीसी को रेंट का पैसा ही नहीं मिला, अनरियलाइज हो गया, ठीक है, किसी भी रीजन से हो, रीजन दिया हुआ है, तो उसका डिडक्शन लेने के लिए क्या क्या कंडीशन होना चाहिए वो पढ़ लीजिएगा, सिंपल सा दिखा होगा, समझ लीजिए चीजों को। राइट शॉर्ट नोट ऑन बिलेटेड रिटर्न, बिलेटेड रिटर्न मतलब लेट रिटर्न, बिलेटेड बर्थडे होता है ना, लेट से बर्थडे को इन्वाइट करते हैं, वैसे लेट बिलेटेड रिटर्न मतलब लेट रिटर्न, किस किस केसेस में एसएससी बिलेटेड रिटर्न फाइल कर सकता है, माने आफ्टर ड्यू डेट जो रिटर्न फाइल होता है उसको बिलेटेड रिटर्न बोलते हैं। अब एक क्वेश्चन देखिएगा, एक तो रेसिडेंशियल स्टेटस के ऊपर है कि एक एम्प्लॉयमेंट के लिए एम्प्लॉय बाहर जा रहा है और 3 लाख रुपया कमा रहा है और उसका एफडी का इंटरेस्ट 80,000, तो एम्प्लॉयमेंट के लिए जाता है तो उसको क्या बोलते हैं, ऑर्डिनरी रेसिडेंट, रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट में कवर होता है, तो दोनों इनकम उसका क्लब होकर उस पर टैक्स लगेगा 3,80,000 पे। अब एचपी इनकम का एक प्रैक्टिकल समय ध्यान से देखिए, ठीक है, एचआरए के एक एग्जाम में हाउस रेंट जो है एचआरए का एक सम बनता है, एक सम सैलरी का बनेगा, तो इस बार ज्यादा टफ सम आएगा भी नहीं, एचआरए का सिंपल सा सम दे दिया रहेगा, एक तो क्वेश्चन दिया हूं, देखिए उसके बाद क्या होता है ना, उसमें ग्रॉस एनुअल वैल्यू निकाल के म्युनिसिपल टैक्स माइनस करके उस पर डिडक्शन माइनस कर देंगे, सिंपल सा फॉर्मेट है, नेट इनकम निकल जाएगा, काम करता। अब एक तो क्वेश्चन इस टाइप में आता है, कंपटीशन ऑफ टोटल इनकम, जैसे सैलरी इनकम दिया, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज दिया, एग्रीकल्चर इनकम दिया है और एलटीसी का डिडक्शन दिया है, तो उसका टैक्स लाइबिलिटी निकालिए, तो सैलरी और इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज ले लेते तो 95 आ जाता है और एलटीसी वगैरह का डिडक्शन कर देंगे तो ऐसे नॉन टैक्सेबल इनकम हो गया ये। अब क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, ध्यान से देखिए, क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट, देखिए क्वेश्चन में बोलता है कि स्टेट द केसेस वेयर जॉइंट कमिश्नर हैज पावर टू इशू डायरेक्शन अंडर 144A। 144A में बोलता है कि जॉइंट कमिश्नर जो है आपका कब आपका केस को रीओपन करने बोलता है, मतलब असेसमेंट कब होगा आपका केस, आपका केस कब इन्वेस्टिगेशन, किस किस ग्राउंड में इन्वेस्टिगेशन होगा, तो ये पावर जो जॉइंट कमिश्नर के पास है वो बोल सकता है एओ को, असिस्टेंट ऑफिसर जो रहता है इनकम टैक्स का ऑफिसर, उसको बोल सकता है आपका केस रीओपन करने है। तो उसका जनरली ग्राउंड क्या रहता है कि वो अपना मर्जी से बोल सकता है या उसके पास कोई इन्फॉर्मेशन है या आपका अमाउंट, जैसे आपका ट्रांजेक्शन उतना रुपया का इन्वॉल्व है, अकाउंट में आपका 50 लाख 16 लाख 1 करोड़ का ट्रांजेक्शन है या कहीं से इन्फॉर्मेशन इशू किया, उस बेस में वो बोल सकता है। पूरा प्रोविजन लिखा हुआ पढ़िएगा, पीडीएफ दे दूंगा मैं। और लास्ट क्वेश्चन बोलता है, स्टेट द प्रोविजन रिलेशन टू सेल्फ असेसमेंट, सेल्फ असेसमेंट मतलब एसएससी खुद का
टैक्स को खुद आइडेंटिफाई करता है, उस हिसाब से रिटर्न भर देता है, उस हिसाब से पेमेंट दे देता है। सिंपल सा यही है सेल्फ असेसमेंट टैक्स में। ठीक है, अब मैं आपको 15 क्वेश्चन दिया हूं, ज्यादा नहीं दिया, 100% इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे। प्रैक्टिकल सम याद रखिएगा, एक सम आपका सैलरी का आएगा और एक एचआर का आएगा, एकदम सिंपल सा सम आएगा, कोई माथा पीछी नहीं होगा उसमें। ठीक है, डायरेक्टली आंसर पुट ऑन करने रहेगा, तो कैलकुलेटर में निकाल के आप डायरेक्टली आंसर पुट ऑन कर दीजिएगा, लेकिन मैं जो कैलकुलेट किया हूँ उसका आंसर जरूर देख के जाइए और अपने ऊपर भरोसा रखिए 100% पास करेंगे, एकदम जिद्दी बन जाइए, पास होना है मतलब पास होना है, हो जाएंगे, कोई नहीं रोक सकता, एकदम भरोसा रखिए, शेर की तरह रहिए, एकदम पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ हम पास करेंगे मतलब करेंगे। थैंक यू।